कक्षा 8वीं मैथ हिंदी मीडियम चैप्टर 11वां और एक्सरसाइज 11.4। अब हम पहले देखेंगे कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे देखिए, ये है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इसमें आएगा 2πRh, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2πR, और R जमा में h। अब ये तीन फार्मूले हैं, तीनों फार्मूलों के ऊपर ये सारे सवाल चल रहे हैं। अब देखिए कि बेलन का व्यास जो है ये 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 मीटर है। अब यहाँ पे देखिए, ये बेलन है, बेलन का व्यास बन गया 7 सेंटीमीटर यानी यहाँ से यहाँ तक, और इसकी ऊंचाई बनती है 14 सेंटीमीटर। अब हमें दूसरा बेलन दिया है, अब इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, यानी उल्ट हो गई ये। अब इन दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान हो गया 22/7, बेलन की त्रिज्या होगी आधे इसकी, बेलन की त्रिज्या जो है ये 7 सेंटीमीटर है, तो यानी 7/2, तो यहाँ लिखेंगे 7/2 गुणा में 7/2 गुणा में ऊंचाई कितनी है उसकी 14, तो यहाँ पे 14 लिख लोगे। अब 7 से 7 कट गया, 2 ये 11 कट गया, अब 2 × 2 = 14। अब यहाँ पे 7 बच गया, यहाँ 7 बच गया और यहाँ 11 बच गया, तो यहाँ 7 × 7 = 49 को 11 से गुणा कर लो, 11 × 9 = 99, असल 9 × 11 = 44 और 9 = 53, तो ये आ गया सेंटीमीटर की क्यूब यानी घन सेंटीमीटर, पहले का आयतन आ गया ये। तो दूसरे का आयतन, दूसरे बेलन के त्रिज्या, अब देखिए दूसरे बेलन में इसका व्यास है 14 और इसका आधा, तो यहाँ कितना आ गया 7, तो बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया, और ऊंचाई कितनी है उसकी 7 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ आयतन निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर एच, तो 22 पाई का मान 22/7 गुणा में त्रिज्या कितनी आ गई 7 × 7 गुणा में ऊंचाई भी 7 है, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 × 7 = 49 और 22 49 को 22 से गुणा कर लेंगे जब, ये आ गया 98 और 98 यानी 1078।
सेंटीमीटर की क्यूब। तो ये क्या पूछता है, दोनों में किन का आयतन अधिक है? तो इसमें बी बेलन का आयतन अधिक है, बी बेलन का आयतन अधिक है। अब हम दोनों बेलन का आयतन अधिक है, अधिक बेलन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। अब इसकी त्रिज्या कितनी होगी, आदि 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे आ गया 2πRH। तो यहाँ पे आएगा 2πR और H, यहाँ पे 2 का 2, 22/7, पाई का मान R 7 और H भी 7, 7×14, 308 cm² आ गया इसका। तो इस तरह से हमें ये सवाल करने हैं। तो ये सारे सवाल करने हैं, जो ना आए वो बता देना, मैं करवा दूंगा। थैंक यू। आयतन πR²H, तो पाई का मान हो गया 22/7, बेलन की त्रिज्या होगी आधी इसकी, बेलन की त्रिज्या जो है ये 7 सेंटीमीटर है, तो यानी 7/2। तो यहाँ लिखेंगे 7/2 गुणा में 7/2 गुणा में ऊंचाई कितनी है उसकी, 14, तो यहाँ पे 14 लिख लोगे। अब 7 से 7 कट गया, 2 ये 11 कट गया, अब 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, अब यहाँ पे 7 बच गया, यहाँ 7 बच गया और यहाँ 11 बच गया। तो यहाँ 7 × 7 = 49 को 11 से गुणा कर लो, 11 × 9 = 99, असल 9 × 11 = 44 और 9 = 53। तो ये आ गया सेंटीमीटर की क्यूब, यानी घन सेंटीमीटर, पहले का आयतन आ गया ये। तो दूसरे का आयतन, दूसरे बेलन की त्रिज्या, अब देखिए दूसरे बेलन में इसका व्यास है 14 और इसका आधा, तो यहाँ कितना आ गया 7, तो बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया। और ऊंचाई कितनी है उसकी, 7 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ आयतन निकालोगे तो πR²H, तो 22/π 22/7 गुणा में त्रिज्या कितनी आ गई, 7 × 7 गुणा में ऊंचाई भी 7 है, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 × 7 = 49 और 22, 49 को 22 से गुणा कर लेंगे जब, ये आ गया 98 और 98, यानी 1078 सेंटीमीटर की क्यूब। तो ये क्या पूछता है, दोनों में किन का आयतन अधिक है? तो इसमें बी बेलन का आयतन अधिक है, बी बेलन का आयतन अधिक है। अब हम दोनों बेलन का आयतन अधिक है, अधिक बेलन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। अब इसकी त्रिज्या कितनी होगी, आदि 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे देखिए 78 सेंटीमीटर की क्यूब। तो ये क्या पूछता है, दोनों में किन का आयतन अधिक है? तो इसमें बी बेलन का आयतन अधिक है, बी बेलन का आयतन अधिक है। अब हम दोनों बेलन का आयतन अधिक है, अधिक बेलन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। अब इसकी त्रिज्या कितनी होगी, आदि 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो यहाँ पे आ गया 2πRH, तो यहाँ पे आएगा 2πR और H, यहाँ पे 2 का 2 22 बटे 7, पाई का मान R 7 और H भी 7, 7×14 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका। तो इस तरह से हमें ये सवाल करने हैं, तो ये सारे सवाल करने हैं, जो ना आए वो बता देना, मैं करवा दूंगा। थैंक यू।